सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे स्केल नंबर 13। ये एक मेज की स्केल है और ये मेज आधा ऊपर से खुला है और आधा ढका हुआ है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये हमने इसकी कागज बांट कर रखी है। इसकी जो लेंथ है वो है 86 सेंटीमीटर है, 86 सेंटीमीटर लेंथ है। ब्रेड्थ इसकी है 50 सेंटीमीटर और हाइट इसकी है 60 सेंटीमीटर। इसमें कागज आपने बड़ा लेना है, छोटा कागज नहीं लेना है। ये मेरे पास एक ड्राइंग फाइल थी, इसमें भी ये इतना बड़ा कागज है फिर भी पूरा आया है। तो नाप लिखने के लिए भी इसमें जगह नहीं बची है, तो मैंने यहाँ पे इसमें लिखा है। आप भी यहाँ इस तरह लिख सकते हैं और अलग से भी नाप दे सकते हैं। इस तरह आपकी एलिवेशन, साइट प्लान और प्रोजेक्शन बनना है। तो इसकी लेंथ 86 सेंटीमीटर है, इसलिए ये स्केल लेंथ में बननी थी, तो मैंने इसकी कागज बांट लेंथ में कर रखी है। इसमें जो फुट्टा यूज होना है वो 1.5 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं ये फुट्टा इसमें यूज होना है। तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, लेंथ हम जब इसकी बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर इसमें एक फट्टी लगी हुई है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन में ये 2 सेंटीमीटर की फट्टी है। तो हमने इसको यहाँ से इस तरह से हम इसको 2 सेंटीमीटर यहाँ से काट देंगे ऊपर। इस तरह से ये जो फट्टी है ये पूरी हमारी ऊपर नहीं लगनी है, 2 सेंटीमीटर ये जो है हम इसको हल्का यहाँ पे लगाएंगे, और ये हमारी जो लगनी है ये है 45 सेंटीमीटर तक हमारी ये डार्क लगनी है। तो हम यहाँ से इसमें ये आप देख सकते हैं इस तरह से 45 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे 45 सेंटीमीटर काट देंगे यहाँ से इस तरह से, और हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं ये जो हमारी लाइन है, अब ये नीचे हमारी डार्क आनी है। इस तरह से ऊपर जो लाइन हमारी है इस लाइन को हम ऊपर से मिटा सकते हैं, जो हमारी ये ऊपर लाइन है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल खाली है, ऊपर कटा हुआ है, यहाँ से सिर्फ जो 45 सेंटीमीटर है, यहाँ से पीछे ही ये हमारी डार्क लाइन आएगी यहाँ पे ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से। अब हमने इसमें पाए बनाने हैं, और इसमें पाए जो है वो 4x4 सेंटीमीटर के है, तो यहाँ से इसके बाद हम इसमें पाए लगाएंगे 4 सेंटीमीटर के। यहाँ से और यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है पाया ही लगाना है, और यहाँ हमने 4 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर का पाया यहाँ पे हमने लगाना है इस तरह से। यहाँ 4 सेंटीमीटर जो है यहाँ से बाहर को फट्टी लगी हुई है, तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर का पाया लगाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट ही 4 सेंटीमीटर का पाया लगेगा क्योंकि यहाँ पे फट्टा इधर को नहीं है। तो यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर पहले फट्टी छोड़ देंगे, उसके बाद हम जो है वो 4 सेंटीमीटर का इस तरह से पाया हम इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं इस तरह से, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर छोड़ना है। मैं 4 सेंटीमीटर इसमें निशान लगा देता हूँ इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं ये जो 4 सेंटीमीटर है इसको हम यहाँ से मिटा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं भी हमारा पाया बन चुका है इसमें, और इसमें जो है ऊपर से फट्टी लगी हुई है, और वो फट्टी है हमारी ऊपर से 8 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर काटना है यहाँ से। स्केलें हमारी मुश्किल नहीं है,
आप यदि आराम से इस तरह से सीखेंगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, या आप अपने अध्यापक का भी प्यार से सुनेंगे और पूरी बात सुनेंगे जो आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, तो कभी भी आपको स्केल बनाने में मुसीबत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आपको आएगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से अभी अपने ये अंदर जो है अंदरमान हमने ये लाइन डार्क हमने लगानी है और बाहर को हमने जो है इसके डॉट लेने हैं 2 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम यहाँ पे डॉटेड लगा देते हैं लाइन, बाद में हम इसको नाप देंगे 2 सेंटीमीटर का इस तरह से आधे तक। और उसके बाद ऊपर से हमने ये फट्टियाँ लगा दी है। अब नीचे से हमने इसमें फट्टी हमारी साइड में लगी हुई 4x4 की, और जो फ्रंट में है वो हमें दिखेगी 4x2 की, हमें वो दिखनी है। तो 2 सेंटीमीटर मोटी लगानी है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से ऊपर को हमने काटना है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 15 सेंटीमीटर पहले काट देते हैं ऊपर को, यहाँ से दोनों साइड। इस तरह से और जो ये हमारा 15 सेंटीमीटर आएगा सिर्फ हमारा पाए के अंदर ही आना है। उसके बाद हमने ऊपर लेना है 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से ऊपर जो है 4 सेंटीमीटर लेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और जो ये 4 सेंटीमीटर आएगा इससे नीचे हमने 2 सेंटीमीटर लेना है। मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ कैसे लगेगा ये। इस तरह से ये हमारी पूरी लाइन आएगी और अंदर जो है ये इसमें आपके एलिवेशन में ये हमारी इस तरह से डॉटेड आएगी। ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर आ रहा है ये हमने जो लगाना है ये सिर्फ हमने पायों के बीच में ही हमारा यहाँ डॉटेड आएगा इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे को हमने लगाना है 2 सेंटीमीटर। ये हम एलिवेशन में ये 2 सेंटीमीटर की और साइड में 4x4 की है। तो यहाँ से 1-2 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी हमने 1-2 सेंटीमीटर आएगा। और इसका भी हमारा जो डॉटेड है वो पीछे तक लास्ट तक जाएगा हमारा, यहाँ तक हमारी ये डार्क आएगी और इधर जो है हमारा ये डॉटेड रहेगा पायों में इस तरह से, क्योंकि लास्ट तक पीछे तक ये हमारी फट्टी लगी हुई है इस तरह से। और हमारा जो बचता है वो ये है 2 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे डॉटेड लगाना है इस तरह से। हम इसको नाप देंगे 2 सेंटीमीटर का यहाँ से। अब हमारा जो लगभग है वो एलिवेशन हमारी बनके तैयार हो गई है, तो हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे डॉटेड। आप लोगों को सिर्फ एक हवा बना हुआ है कि स्केल मुश्किल है, स्केल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और ये आप देख रहे हैं अभी तक भी आपने मेरी वीडियो देखे होंगे, आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी भी स्केल को बनाने में। तो आधे घंटे में ही आप जो है वो 26 नंबर आप ले सकते हैं। तो ये आपकी एलिवेशन हमारी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से आपने भी एलिवेशन बनानी है। अब हम बनाते हैं साइड। तो साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या कर लेना है, ऊपर जो 2 सेंटीमीटर की फट्टी हमने लगाई है, ये जो फट्टी हमने लगाई है ये साइड में बिल्कुल पूरी आएगी। बेशक ही कटा हुआ पीस है पर साइड में हमारा जो है ये पूरा पीस आएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आपको पता ही हम सिर्फ एक साइड से ही नापते हैं। और यहाँ से हम इसी के सीध में जो है वो फुट्टा यहाँ लगा देंगे इस तरह से। और हम यहाँ पे ये जो है वो पूरी आनी है ऊपर 2 सेंटीमीटर इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर छोड़ रखा था और अगली साइड हमने नहीं छोड़ा था, तो यहाँ पे हम दोनों साइड जो है ना पहले 4-4 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, फिर हम जो 4-4 सेंटीमीटर के इसमें पाए लगाएंगे। तो यहाँ से पहले 4 सेंटीमीटर, फिर हम 4 सेंटीमीटर 4×8। तो मैं यहाँ कट्ठा ही एक साथ काट लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले हमने छोड़ दिया 4 सेंटीमीटर, फिर हम 4 सेंटीमीटर का इसमें पाए का निशान लगा देंगे इस तरह से। और ऊपर भी हम इसी तरह से इसमें निशान लगा देते हैं। ये हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा आ गया
यहाँ पे पाया 4 सेंटीमीटर का आ गया। पेंसिल का आपने बड़ा ध्यान रखना है, बड़ी आपकी शार्प पेंसिल होनी चाहिए, तीखी बिल्कुल पेंसिल होनी चाहिए आपकी, मोटी पेंसिल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। अब हमने इसको मिला देना है यहाँ पे, हम देख सकते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं जो हमारी ये लाइन है इसको हम मिटा सकते हैं यहाँ से, इसका कोई कार्य नहीं है इस तरह से। और ये भी हमारी लाइन है, ये मिट जाएगी अब यहाँ से इस तरह से। और यहाँ जो ये लाइन हमारी मिट गई है, इस लाइन को हम दोबारा से लगा देते हैं इस तरह से। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 के बाद ये 6 सेंटीमीटर की फट्टी है, तो ये 8 की, 6 की नहीं है, ये 8 सेंटीमीटर की फट्टी है। तो हम यहाँ पे इसको 8 सेंटीमीटर नाप देते हैं, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ हम इसी का प्रोजेक्शन लेंगे, इसके लिए हमारे पास एक टी होती है, अगर आप ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं तो ड्राइंग बोर्ड में टी होती है, उसे समानांतर रेखा हम ले सकते हैं, ये उसी काम के लिए यूज होती है वो इस तरह से। और हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे हम डॉटेड लगाएंगे, अभी लगभग ये क्योंकि अभी हमने नाप नहीं रखा है इस तरह से। और ये जो हमारा है यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से पहले 15 सेंटीमीटर है, इस तरह से हम पहले 15 सेंटीमीटर ले लेंगे, फिर हमारा ऊपर है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम जो है वो 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो यहाँ हमने 15 सेंटीमीटर के बाद ये हमने निशान लगाए थे 4 सेंटीमीटर के। अब साइड में जो है ये हमारी डार्क लाइन आनी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे बिल्कुल हमारी डार्क आनी है और हाफ तक जो है ये हमारे अंदर डॉटेड आएंगे। और ये हमारा 4 सेंटीमीटर ऊपर हम देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें फुट्टा लगाना है, और यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर लेना है अंदर को इस तरह से, यही 4x4 का हमारा इस तरह से बनना है। अब यहाँ पे ये जो आपकी फट्टी हमने लगाई है 2 सेंटीमीटर की, ये बीच में यहाँ पे इसमें कट है, बीच में जोड़ रखी है, तो ये दूरी इसकी है 15 सेंटीमीटर की। यहाँ से 15 सेंटीमीटर के बाद 4 सेंटीमीटर काटेंगे, तो यहाँ से हम ये आपका 15 सेंटीमीटर है, और 15 के बाद हम काटते हैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और नीचे को जो ये फट्टी आनी है ये हमारी आएगी 2 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देते हैं। और यहाँ तो हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन ये लगाई रखी है एलिवेशन में, तो इसी के सीध में हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम गाढ़ी लाइन लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ पे इस लाइन पे भी हम निशान लगा देंगे प्रॉपर, अच्छे तरीके से हमने कार्य करना है। तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया 15 और 15 और 4 इस तरह 19, तो हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारा ये बनेगा। अब हम यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जो हमने डॉटेड लगाए हैं इनको भी नाप लेते हैं, 2 सेंटीमीटर है देख सकते हैं यहाँ से। अब हम इनको मिला देते हैं इस तरह से, बने गए हमारे ये जो हमने अंदर है यहाँ पे फट्टी लगाई, इसका मतलब है ये फट्टी सिर्फ इसी में ही है, ये आगे को नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फट्टी दूसरे साइड भी, जैसे एलिवेशन में यहाँ पे ये एलिवेशन में है, तो इसी तरह से साइड में भी है, तभी हमने एलिवेशन से साइड में इधर को ये डॉटेड दिखा दिए थे, ताकि हमें पता हो कि ये हमने जो है साइड में भी बनाने हैं। ये यहीं तक सीमित है, अब यहाँ पर हमने डबल लगाए थे, डबल का मतलब ये था कि दोनों साइड है, यहाँ भी पूरी अंदर को और ये भी पूरी इधर को अंदर को। इस तरह से हमारी जो है वो एलिवेशन और साइड
ये दो हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हमने इसका बनाना है प्लान। प्लान बनाने के लिए हमने इसके प्रोजेक्शन लेने होते हैं, तो प्रोजेक्शन हम इसके ले लेते हैं। ये 2 सेंटीमीटर का पहले हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। नहीं, पहले हमने लेना है ये 4 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि यहाँ हमने 4 सेंटीमीटर ये छोड़ रखा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लेंगे, उसके बाद हम लेंगे 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे। फिर हम ये 4 सेंटीमीटर का जो पूरा हमारा पाया आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमने ले लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सेट स्क्वायर का यूज़ करूँगा यहाँ पे इस तरह से। और ये जो हमने यहाँ 15 सेंटीमीटर का लिया था, 15 के बाद इस तरह, इससे क्या होता है हमारे प्रोजेक्शन बिल्कुल सही आते हैं इस तरह से। ये हमने यहाँ पे बिल्कुल इस लाइन के साथ हमने सेट स्क्वायर को लगाना है, तो हमारा प्रोजेक्शन बिल्कुल सही आएगा। और यहाँ से हमने इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम इसके पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे एक साइड को, यहाँ हम सिर्फ इसका निशान लगाएंगे इस तरह से। बड़े सावधानी से हमने सारे प्रोजेक्शन लेने हैं प्लान के लिए। आप देख सकते हैं। और हमने इस साइड में भी जो है इसके निशान ही लगाने हैं, दोनों साइड हम निशान लगा देते हैं पहले। आप देख सकते हैं यहां से हमने लेना है 2 सेंटीमीटर का निशान। अब हम लेंगे 4 सेंटीमीटर का निशान फिर। ये हमारा 15 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद नीचे हम जो है वो निशान हम ले लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। अब हमने क्या करना है इसमें, ये जो आपके पाए है 4x4 के, यहाँ पे ये हमने सबसे पहले पाए बनाने हैं। और यहाँ जो ये 45 सेंटीमीटर है, यहाँ से इधर को हमारा सारा डॉटेड कार्य होगा, इधर को हमारा जो सारा डार्क कार्य होना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये निशान लगा लेता हूँ, ये जो हमने 4 सेंटीमीटर छोड़ा था यहाँ पे, ये इस तरह से। तो यहाँ से ये हमारा है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है लगभग, इससे नीचे हमने यहाँ पर डॉटेड लगाना है। और ये पूरी लाइन हमने यहाँ तक हमने ये डॉटेड लगानी है पूरी यहां से। यहां तक इस तरह से। और यहां पे भी हमने, यहां तो ये हमारा लास्ट में है ये, उसके बाद हमने पाया जो लगाना है, ये हमारा पाया है 4 सेंटीमीटर का, ये हमने जो है वो डॉटेड लगाना है यहां पे इस तरह से। हम इसको डॉटेड लगाएंगे और यहाँ से ये हमारा 4 सेंटीमीटर। यहाँ तो हम इसको पूरा डार्क लगाएंगे और यहाँ पे हमने इसको डॉटेड लगाना। पहले मैं 45 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ इसको यहाँ से। यहाँ तक है, तो अब हम इसको यहाँ से ये अब हम लगाएंगे डार्क। यहां से आगे हमारा आएगा डॉटेड, आप देख सकते हैं यहां तक ये लाइन भी हमारी डार्क आनी है। पहले मैं यहाँ पे 45 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको डार्क लगा लूंगा यहां से।
तक। तो मैं इसको यहाँ पे नाप लेता हूँ पहले। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर यहाँ पे। यहाँ ये हमारा जो है वो लाइन आनी है डार्क यहाँ तक, और यहाँ से आगे हमारी आनी है डॉटेड। इस तरह से ये लाइन जो हमारी है ये भी हमारी डार्क आनी है बीच में। ये हमारा क्लियर हो गया कि यहाँ तक है ये, बाहर को फालतू ये लाइन नहीं है हमारी। और ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर है ये वाला ऊपर है, ये भी हमारा डॉटेड आना है। उसके बाद हम सबसे पहले इसमें पाया बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। ये हमारा जो है वो पाया बनना है। मैं यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, हमारी है 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से नीचे ये पूरी यहाँ से लास्ट से लेकर के यहाँ तक ये पूरी इस तरह से आनी है लाइन। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ ये हमारा इतना हमारा ये पाया बनना है। तो यहाँ पे भी ये हमारा डॉटेड बनना है पाया इस तरह यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम बना लेते हैं इस तरह डार्क बनेगा, और यहाँ पे ये इस तरह से डॉटेड बनेगा। इस लाइन के हिसाब से हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की ये लाइन है हमारी। तो इस तरह से हमने ये हमारा पाया, पर ये जो लाइन है हमारी 4x4 की है, इसलिए हमारा पाया के साथ साथ है। इसकी पूरी लाइन जो है वो पूरी लाइन के पोजीशन हमारे ये डॉटेड आने हैं यहाँ पे इस तरह से। जैसे हमने यहाँ पे डार्क लिए थे, यहाँ पे ये हमारे डॉटेड आने हैं। अब हमारा 2 सेंटीमीटर, हम निशान भी लगा लेते हैं 2 सेंटीमीटर का। यहाँ पे नीचे नाप भी लेते हैं, ऊपर तो हम इसका प्रोजेक्शन ऊपर ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम इसमें 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसमें बीच में जो है वो 2 सेंटीमीटर डॉटेड लगाएंगे यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है वो 2 सेंटीमीटर इसमें बीच में यहाँ इस तरह से डार्क लगाएंगे। ये जो हमने यहाँ पे इसका 2 सेंटीमीटर ले रखा है यहाँ पे, ये हमने यहाँ बीच में लगाना है डार्क यहाँ तक, और यहाँ से आगे हम इसको डॉटेड कर देंगे यहाँ इस तरह से। ये हमारा बनेगा, और यहाँ पे भी हमने 2 सेंटीमीटर लगाना है। तो यहाँ पहले मैं इससे सेस्कर से इसको अच्छे से ले लेता हूँ 2 सेंटीमीटर को। ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, और इसी के ही सीध में इसके समानांतर हम यहाँ से रेखा लगा लेते हैं यहाँ पे। हम इसको डार्क लगा देंगे यहाँ तक, इससे आगे हम इसको डॉटेड लगाएंगे यहाँ, देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा जो है वो बनेगा। अब बीच में 15 सेंटीमीटर के बाद यहाँ से हमने 15 सेंटीमीटर के बाद लिया था, ये हमारा 15 के बाद 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमारी जो लाइन है ये भी हमारी यहाँ पे आनी है। तो यहाँ हमने निशान भी पहले इसमें लगा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने ये अंदर जो है वो हमारा डार्क आना है यहाँ तक। इसके अंदर हमारा जो है ये यहाँ पे ये डार्क आएगा, बट ये लाइन जो हमारी वो इसके नीचे है दबी, इसलिए ये डॉटेड आएगी यहाँ पे। और अच्छा मैं इधर भी लगा लेता हूँ इसको, यहाँ पे ये हमारी डॉटेड आनी है ये हमारी यहाँ तक आनी है आगे। यहाँ मैं इसको लाइन को मिटा देता हूँ, क्योंकि इसके बीच में ये लाइन जो है हमारी वो डॉटेड आनी है, ये लाइन हमारी ऊपर है। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा डार्क आएगा, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे डॉटेड लाइन हमारी आनी है यहाँ तक इस तरह से। और यहाँ जो मैंने बीच में लाइन मिटा रखी है, इसमें ये लाइन हमने यहाँ पे डॉटेड शो करनी है इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे
जो ये वाला एरिया है इसमें ये फट्टी हमारी नहीं है, ये लाइन हमारी इसमें नहीं है। इसको हम हल्का शो करेंगे या हम इसको डॉटेड शो करेंगे, पर हम इसको डार्क शो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो है ही नहीं, फट्टी नहीं है, यहाँ से पीछे तो इसमें है ही नहीं फट्टी। तो हम इसको या तो हम इसको मिटा ही सकते हैं इस तरह से, इसको लगाओ ही नहीं, अगर आपने लगाना ही है तो आप इसको डॉटेड शो कर सकते हैं। यहाँ से पीछे जो है ये हमारा ये क्लियर आएगा, ये बिल्कुल डार्क लाइन आएगी हमारी इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इतनी जो लाइन हमारी है ये हमारी डार्क आनी है और बाकी हमारी मिट जानी है। या आप इसको डॉटेड शो कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं शो करें क्योंकि हमारे पास ये है ही नहीं, लाइन ही नहीं है, इसलिए हमने इसको शो नहीं करना है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और ये आपका जो है वो स्केल जो है स्केल नंबर 13 भी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से ये आपने भी ये स्केल बनानी है, इसमें हमने यहाँ पर स्केल कार्ड बनाना है और स्केल नंबर जो इसमें यूज हमने किया है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपने वो स्केल जो है वो बनाना है, उसके दो नंबर अलग से आपको मिलेंगे, ये कार्य आपने अपने आप करना है। मैंने बता रखा है कि हम जो है वो स्केल ड्राइंग में स्केल कार्ड कैसे बनाते हैं, ये अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले जो मैंने वीडियो बना रखी है आपके लिए 1, 2, 3, 4 या 5, 6 तक की जो वीडियो है उसमें मैंने कागज वाड भी सिखाई है और स्केल कार्ड बनाना भी सिखा रखा है। इस तरह से आपने स्केल को अच्छे से बनाना है ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए।